आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मिनी वैक्यूम क्लीनर दिखाऊंगा और ये कैसे काम करता है ये दिखाऊंगा और कितने का आया है और इसके अंदर क्या है ये सब दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इससे आपको जो है इसके बारे में नॉलेज मिल सके। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज और ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हमारे दूसरे वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन को दबाइएगा। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एक जो है मिनी वैक्यूम क्लीनर है, ये काफी पुराना है और इसके साथ कुछ और चीजें मिली थी वो शायद खो गई हैं, तो ये खराब हो गया था। इसको मैंने बनाया, यहाँ पे लाइट इसकी जो है सफेद लगी रहती है तो ये नहीं जल रही थी, खराब हो गई थी, चल भी नहीं रहा था। खोल के इसको सही किया, यहाँ रेड लाइट लगाई तो ये काम करने लगा। तो ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ जो है मैंने राई के दाने लिए छोटे, ये दिखाने के लिए ताकि जो है ये इनको कैसे खींचते हैं, जैसे यहाँ पे हम गिरा दें ये कहीं गिर जाए इधर उधर। ये देखिए, ये गिर गए हैं और इनको अब उठाना है, तो उसके लिए जो है देखिए इसको ऑन करते हैं। लेकिन ऑन करने से पहले इसका ये देखिए, ये यूएसबी वाला है, ये यूएसबी में लगता है, या तो इसको कंप्यूटर में लगाएं या इसको चार्जर में लगाएं। तो मैं इसको जो है चार्जर में लगाता हूं। ये देखिए, ये मोबाइल का चार्जर है और इसकी ये जो है यूएसबी पिन इसमें लगाते हैं तब ये काम करेगा। अब इसको मैं बिजली में लगाता हूं, फिर देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसके दूसरे वीडियो भी बहुत सारे जो है यूट्यूब पे हैं, उसमें भी आपको दिखाया होगा कि ये कैसे काम करता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, इसको खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या है, ताकि आपको इसके अंदर की भी नॉलेज मिल सके और ये कैसे काम करता है चलिए देखें। इसको मैंने सप्लाई दे दी है, चार्जर को बिजली में लगा दिया है। अब ये देखिए, इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये देखिए इसकी लाइट जल गई और ये देखिए इसकी साउंड भी आ रही होगी आपको। तो जैसे ये है सब बिखरे पड़े हैं, तो इनको देखिए नजदीक करके ये जो है छेद यहां से ये खींचेगा। ये देखिए, ये देखिए सब जो है सारे खींच लेगा, जो इधर उधर भाग रहे हैं उनको भी इसके पास लाने के लिए ये आगे ब्रश बने हैं कि उसके पास आएंगे तो ये जो है सब साफ कर देगा। ये देखिए, जैसे ये है, ये है, अब देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, सब इसने खींच दिए हैं। तो अब इसको जो है ऑफ करते हैं और इसको निकालने के लिए ये देखिए ये खाली है, इसको यहां से खोला जाता है। ये देखिए, ये देखिए सब निकल रहा है, ये पूरा खाली हो गया। अंदर इसमें ये जो है जाली टाइप की लगी है ताकि जो है जितनी भी डस्ट खींचे वो अंदर मोटर तक ना जाए। अब इसको हम जो है फिर लगा देते हैं, ये थोड़ा सा इसको मैं दिखाता हूँ कैसे लग। हाँ, ये देखिए यूं लगेगा, यहां से इसको लगा के यूं पीछे की तरफ घुमा दिया, ये फिट हो गया। अब अगर ये जैसे मोटे दाने हैं, ये मोटी डस्ट है कहीं पे, मान लीजिए मैंने मोटे दाने, तो वो इसमें जो है फंस जाएंगे। जैसे ऑन करके देखते हैं, ये देखिए इसको ऑन किया, ये देखिए इसमें ये देखिए फंस गए, ये देख रहे हैं इसमें फंसे हुए हैं, वो खींच नहीं पा रहा। तो उसके लिए क्या इलाज है, उसके लिए इसका ये एक माउथ अलग टाइप का मिला था बड़ा वाला, उसमें अब इसको मैं छोड़ देता हूँ सारे में, ये भी निकल आता है। इसको यहाँ से खोल दिया और इसका जो दूसरा मिला था वो कहीं खो गया है, तो ये मैंने कागज का ही बना दिया है ताकि ये काम करे। ये भी जो है एक वो है कि अगर आपकी कोई चीज खराब हो गई है तो उसको आप जो है बनाइए खुद उसका कुछ ना कुछ, क्योंकि वो अलग से मिलेगा नहीं, तो ये मैंने कागज का बना दिया। ये देखिए लगा दिया, ये देखिए कितना बढ़िया बना, पूरा एकदम ठीक से बैठ जाता है। और ये इसके आगे का है, तो इससे अभी खींच के देखते हैं।
इसको ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन हो गया। इसका ये मुंह है ही बड़ा तो ये खींच लेगा आराम से, ये देखिए ये देखिए, ये छोटे बड़े सब खींच रहा है। बड़ी डस्ट हो अगर जैसे मोटी मोटी तो उसके लिए ये है, ये देखिए सब खींच गया इसमें, ये देखिए खाली है। इनको भी छोटों को भी खींच लेगा, लेकिन बड़ी वहां फंस रही थी, ये देखिए ये भी सब जो है इससे खींच रहा है, देखें सब खींच गया। अब इसको निकालने के लिए इसको यहां से कर देते हैं ऑफ, ये ऑफ हो गया। अब इसको फिर जो है हम आया, ये देखिए सब निकल आया, ये सब जो है निकल आया यहां से, ये खाली हो गया। तो ये बहुत अच्छी वैक्यूम क्लीनर, बहुत अच्छा है, छोटा सा, ज्यादा महंगा भी नहीं, ये शायद 250 या 300 रुपए का लिया था, तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको मैं आपको जो है खोल के दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए ये कपड़ा लगा है, सबसे पहले तो इसको हटाना पड़ेगा, ये इसको सबसे पहले हटाएंगे। ये देखिए मैंने रिपेयर किया था ना, तो ये रबड़ भी लाल रंग की मैंने लगाई थी, तो उसके लिए जैसे ये है यहां से, ये यहां से पहले ये रबड़ निकाल देते हैं। ये देखिए ये रबड़ है, कपड़ा ना फटे बस, बाकी तो ये देखिए ये उतर गया, ये रबड़ के साथ उतर गया, ये देखिए ये है, ताकि जो है डस्ट या जो भी चीजें खींचे वो जो है इसके अंदर मोटर तक ना जाए। वो अंदर मोटर लगी है, इसमें दो पेंच लगे हैं, एक यहां पे और एक यहां पे, तो ये दोनों पेंच खोलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये मैं इस पेंच को खोलता हूं, ये देखिए इसको खोला, ये आपको इसको रिपेयर करने वाला या खोल के किसी वीडियो में नहीं दिखाया होगा। ये देखिए ये पेंच दो छोटे छोटे, ये पेंच खोला और एक ये पेंच है इसके अंदर, इसको मैं खोलता हूं, ये है, बल्कि दो हैं यहाँ पे, एक नहीं लगा, एक ही लगा, ये लगा है, दो इधर भी लगे हैं, इनको मैं खोल देता हूँ। ये देखिए ये भी खुल गया दोनों पेंच। अब जो है ये इसको हटाते हैं, ये देखिए ये खुल रहा है आराम से, इसको जो है ये मैंने रिपेयर किया था खोल के, ये देखिए ये खुल गया, देख रहे हैं, ये स्विच लगा, ये छोटी सी मोटर ये लगी हुई है, इसके आगे वो है, ये एलईडी मैंने जो है लगाई थी, ये खराब हो गई थी, तो एलईडी जो है मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से ये यहाँ पे जो है टांका लगाया था एलईडी का। ये देखिए एक यहाँ पे, देख रहे हैं आप, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसको अगर ऐसे भी चलाएं तो ये देखिए ऐसे भी चलेगा। इसको मैं ऑन है, सप्लाई तो इसमें है ही, ये देख रहे हैं ये ऐसे ही चल रहा है, छोटी सी मोटर है और कितना बढ़िया सिस्टम है, ये देखिए ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए इसकी हवा कितनी तेज है कि ये देखिए सब चीजें भाग रही इधर उधर, ये इसकी हवा बहुत तेज इधर लग रही है, ये आगे से खींच रहा है और साइडों से दे रहा है, ये देख रहे हैं। इसके अंदर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये एक मोटर लगी है, ये आगे पंखे हैं, ये एलईडी है और ये एक छोटा सा, ये देख रहे हैं स्विच लगा हुआ छोटा सा ऑन ऑफ करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। ये मोटर जल्दी खराब नहीं होती क्योंकि इसमें जो है ये आपकी 5-6 वोल्ट से तो जलती है, जो चार्जर सप्लाई देता है 5-6 वोल्ट से ही ये जो है चलती है, तो खराब नहीं होती। ये एलईडी खराब हुई थी, लेकिन वो एलईडी के कारण शायद शॉर्ट हो गई थी, मोटर भी नहीं चल रही थी, तो मैंने ये एलईडी यहां से टांके खोल के वो मैंने जो है बदल दी, मेरे पास एलईडियां पड़ी थी बदल दी और इसको इसमें फिट कर दिया, ये चलने लगा। तो ये देख रहे हैं कि चीप एंड बेस्ट है। तो अगर ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो, इससे आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, ताकि मैं जो है नए नए वीडियो बनाता रहूं। मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे थे चैनल नॉलेज और ज्ञान। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।